some important tidbits in english what does it mean what is it all about and what is tidbits today in this video we are going to learn few simplest of the things in english for

इंग्लिश के कुछ ग्रामर के टिप्स आपको दे रहे हैं इसको गौर से सुनिएगा समझने की कोशिश करिए और इफ यू हैव अंडरस्टूड ऑल दिस देन योर ग्रामर बिकम्स रिलेटिवली मच ईजियर योर इंग्लिश बिकम्स मच ईजियर हैव डन मोस्ट ऑफ इट आउट हियर। शब्द भंडार वो तो आपको ही सीखना है और बाकी जो कुछ चीज़ें हैं उनमें से तो कुछ जो बहुत जो जिनके बिना अंग्रेजी बोली ही नहीं जा सकती सही अंग्रेजी बोली ही नहीं जा सकती उसको संक्षिप्त में यहाँ बताया है दे आर नॉट गोइंग टू बी डिटेल्ड लेक्चर ऑन इट फॉर दैट यू कैन सी अदर वीडियोज फ्रॉम हेयर बट अदरवाइज दीज आर दैट वी हैव से अबाउट सिक्स और सेवन पॉइंट दैट तो लेट एस स्टार्ट विथ फर्स्ट इज सिंगुलर प्लूरल एंड जेंडर जेंडर मतलब मैस्कुलिन फैमिनिन, मैस्कुलिन फैमिनिन मतलब स्त्रीलिंग पुलिंग मैस्कुलिन इज फॉर पुलिंग एंड फैमिनिन इज फॉर स्ट्रीलिंग मेल फीमेल राइट दैट इज जेंडर जेंडर जी एंड जेंडर बहुत से जब आप फॉर्म भरते हैं तो इसमें पूछा जाता है कि यू आर मेल और फीमेल मेल ऑब्लिक फीमेल कई जगह पूछा लिखा रहता है जेंडर तो जेंडर में आपको लिखना होगा मेल यदि पुरुष हैं और फीमेल यदि स्त्री लड़की हैं राइट तो दिस इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड जेंडर सिंगुलर मतलब एक वचन प्लुरल यानी बहुवचन ना लेट अस कम टू ए सीरीज ऑफ सेंटेंसेस इन हिंदी हिंदी के हम विभिन्न तरह के वाक्य जो विभिन्न काल में बोले जाते हैं काल का अर्थ क्या है विभिन्न समय में और समय का अर्थ क्या है समय का अर्थ है वर्तमान में या बीते हुए समय के लिए कुछ बोलना या आने वाले समय के लिए कुछ बोलना यदि वर्तमान में बोला तो प्रेजेंट बीते हुए समय के लिए बोल रहे हैं कुछ वाक्य है। तो पास्ट और आने वाले समय के लिए कुछ बोलना हो तो फ्यूचर राइट बीत वर्तमान समय में भी बोलने के लिए कई तरह की स्थितियां होती हैं विच वी हैव ऑलरेडी यू मस्ट हैव रेड इन अदर क्लासेस प्रेजेंट देन प्रेजेंट कंटीन्यूअस देन प्रेजेंट परफेक्ट देन प्रेजेंट परफेक्ट परस और इसके अलावा अन्य शैलियों की अन्य स्थितियों के वाक्य प्रेजेंट

उसका अंग्रेजी वाक्य क्या है हर हिंदी वाक्य का अंग्रेजी वाक्य क्या है और आपकी सुविधा के लिए आपकी सरल समझ के लिए मैंने एक ही क्रिया ली है क्रिया यानी वर्ब और वर्ब क्या बताता है वर्ब वो शब्द है जो टाइम और एक्शन को मिलाकर बताता है टाइम और एक्शन किस समय वो कार्य हुआ तो समय और कार्य दोनों जुड़ा हुआ किस समय कार्य हुआ केवल समय नहीं बताता केवल कार्य नहीं बताता वो समय और कार्य दोनों बताता है जब वर्ब को हम डिफरेंट फॉर्म जब होते हैं तो तो हम एक ही हमने वर्ब लिया है और वो है टू से से माने कहना तो अस टेक द फर्स्ट सेंटेंस मैं कहता हूं मैं कहता हूं ये ता आया इसमें ये कुछ टिप्स हैं मैं बहुत बड़े ग्रामर की दृष्टि से हानि बता रहा हूँ लेकिन आपको को, को काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा कि ये टिप्स का अर्थ क्या है यहाँ पे और यस यस कितना सरल हो रहा है तो पहला हुआ मैं कहता हूँ ता हूँ मैं जाता हूँ मैं खाता हूँ मैं सोता हूँ मैं रोता हूँ ये जो वाक्य है जहाँ ता, 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 ता हिंदी में आता है ये टेंस है और जब इसको हम लिखते हैं मैं कहता हूं तो मैं मतलब क्या हुआ आई कहता हूं मतलब से यानी आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देना है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज जिसको अपन लिखते हैं वी वन राइट वी वन की तरह डिनोट करते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब मैं कहता हूं मैं जाता हूं आई गो मैं खाता हूँ आई ईट मैं सोता हूँ आई स्लीप राइट ये तो हो गया सबसे सिंपल फॉर्म एक तरीके से इसमें आपको दिखेगा एक इनडेफिनेट एक आदत मैं खाता हूं मैं सोता हूँ मैं जाता हूँ क्या दिखाता है एक तरीके की आदत दिखाता है तो ता से होने वाले शब्द में आपको फर्स्ट फॉर्म लगा देना अब जब फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं आई से यहां पर होगा मैं कहता हूं आई से फर्स्ट फॉर्म लगा मैं कहती हूं यहाँ पे जो करता है जो कह रहा है जो सब्जेक्ट है जो कार्य कर रहा है कौन कर रहा है कहती हूं मतलब कोई लड़की कर रही है वहां पर भी आई आए ही आएगा मैं कहती हूं या मैं कहता हूं तो आई से दूसरे शब्दों में आई में कोई जेंडर नहीं पता लगता कि वो लड़की है कि लड़का है या तो आपको उसकी आवाज़ से यदि फोन पर है या उसने लिखा है तो आगे कुछ और लिखे होने चीज़ से आपको अंदाज लगाना होगा कि लड़की का है या लड़के का है मेल का है या फीमेल का है तो आई का कोई जेंडर नहीं होता आई इज काइंड ऑफ न्यूट्रल जेंडर दोनों में उसका उपयोग होता है इस बात को ख्याल रखेंगे और ता तेती, ता 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 जहां लगता है जाते हैं जाता है खाते हैं है, खाती है वो सब फर्स्ट फॉर्म तो मैं कहता हूं आई से मैं कहती हूं आई से वह कहता है और वह कहती है वह कहता है वह मतलब ही कहता है मतलब से तो आपको लगेगा कि ही से लिखना काफ़ी जैसे ऊपर कहा मैं कहता हूँ तो यहाँ हम लिख देते हैं ही से इस बात को ख्याल रखें कि ही से गलत है यही चीज़ को आपको यहाँ पर समझना है कि ये एक वचन है ही क्या है एक वचन सिंगुलर है और जब सिंगुलर होता है बच्चों तो क्रिया में एस या ई एस जुड़ता है क्रिया में क्रिया में एस या ई एस जुड़ता है ही सेज क्या होगा ये ही से ना होकर के ही सेज होगा अब ई एस भी जुड़ता है मैंने कहा कुछ शब्दों में जैसे ही गोज उसमें ई एस जुड़ा बिल्कुल सही समझ गया एक वचन होने पर ता -ते -ती वाले वाक्यों में जहां फर्स्ट फॉर्म लगता है वहां पर सिंगुलर होने पर क्रिया में एस लग जाता है वाक्य को ध्यान से समझें ध्यान से समझने की कोशिश करें ध्यान से पढ़ने की कोशिश करें वचन लग गया वह कहता है अब यह क्या बना ही सेज अब अगला वाक्य है वह कहती है मैंने बताया आई के लिए आई में मेल और फीमेल कौन है स्पष्ट नहीं है दोनों के लिए आई का उपयोग होता है मेल के लिए भी फीमेल के लिए भी लेकिन वह के लिए अलग अलग शब्द हैं वह कहता है के लिए ही सेज और वह कहती है के लिए शी सेज लड़कियों के लिए शी लड़कों के लिए ही लेकिन क्रिया दोनों में सेज रहेगा ता जाता है जाते हैं खाते हैं इस पर पहला फॉर्म ही रहेगा लेकिन पहला फॉर्म में एस या ई एस किस में जुड़ता है क्रिया में याद रखेंगे क्योंकि यदि वह किसी और चीज़ पे जुड़ता है नाउन पे तो वो क्वांटिटी बताता है कैसे पेन पेंस पेन उसमें पेन माने एक पेन और उसमें एस जोड़ दिया तो पेंस हो गया बहुवचन तो वो तो नाउन है वो संज्ञा है संज्ञा में एस जुड़ने से क्वांटिटी बताता है एक से ज्यादा लेकिन क्रिया में यदि एस जुड़ता है तो एस जुड़ने पर क्रिया में यदि आपने एस जुड़ा देखा तो समझ जाइए ये एक वचन है और ही सेज है तो पुरुष के लिए शी सेज है तो महिलाओं के लिए लड़कियों के लिए फेमिन है फीमेल है राइट तो आप समझ गए वह कहता है वह कहती है एक वचन फर्स्ट फॉर्म और ताते इसलिए फर्स्ट फॉर्म एक वचन है इसलिए एस जुड़ेगा और ही के लिए पुरुष के लिए ही और लड़कियों के लिए शी जो कि आई में नहीं होता आई में मैं लड़का भी हो सकता हूं मैं लड़की भी हो सकता हूं अगला वाक्य वे कहते हैं वे को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में वे कहते हैं वे मतलब दूसरे लोग तो वे कहते हैं और कहते हैं के लिए मैंने बताया आपको क्या लगेगा ताते से सो दे से होगा कि दे सेज होगा दे से होगा कि दे सेज होगा दे से होगा बिल्कुल सही क्योंकि से में एस तब लगता है जब वह एक वचन है और दे एक वचन है कि बहुवचन है वे कहते हैं वे लोग कहते हैं दे मतलब बहुवचन एक से ज्यादा लोग कहते हैं तो दे से तो वहां पर बहुवचन है तो बहुवचन है तो क्रिया में एस नहीं लगता और ता देती है तो फर्स्ट फॉर्म लगेगा फर्स्ट फॉर्म है दे से क्लियर स्टेप बाय स्टेप लेट अस प्रोसीड स्टेप बाय स्टेप और हर हर वाक्य को बार बार समझने की कोशिश करें मैं कहता हूं आई से मैं जाता हूं आई गो मैं खाता हूं आई ईट मैं सोता हूं आई स्लीप मैं कहती हूं आई से मैं जाती हूं आई गो मैं सोती हूं आई स्लीप वह कहता है He says, वह कहती है She says, वह जाती है She goes, वह जाता है He goes, वह सोता है He sleeps, वह सोती है She sleeps, वे कहते हैं दे से वे कहते वे जाते हैं दे गो की गोज़ वे कहते हैं दे से तो वे जाते हैं दे गो वे खाते हैं सो दे ईट एस नहीं लगेगा क्योंकि एक वचन नहीं है दे बहुवचन के लिए राइट अब आते हैं अगले तुम कहते हो तुम तुम कहते हो ते मतलब फर्स्ट फॉर्म बिल्कुल सही यहां यू यू के साथ भी वही बात है जो आई के साथ है मैंने आपको बताया कि एक वचन यदि है तो क्रिया में क्या लगता है एस आई में एस लगा क्या आई एक वचन है कि बहुवचन है आई एक वचन है लेकिन क्रिया के साथ क्रिया के मामले में उसको बहुवचन जैसा ट्रीट करते हैं सरल भाषा में मैं बता रहा हूँ ग्रामर की भाषा से हट के आई से कि आई सेज ना ना आई सेज नहीं होता आई जो है वह बहुवचन जैसा होता है तो आई से और जैसे आई बहुवचन जैसा माना जाता है एक वचन रहते हुए भी ऐसे ही यू भी बहुवचन जैसा माना जाता है एक वचन होते हुए भी यद्यपि यू और आई एक व्यक्ति को बताते हैं लेकिन ग्रामर में क्रिया में इसमें एस नहीं जुड़ता क्लियर तो यहां क्या होगा तुम कहते हो यू सेज होगा कि यू से होगा यू से तुम कहते हो यू से एक वचन रहते हुए भी बहुवचन जैसा ट्रीट बहुवचन में एस नहीं लगता क्रिया में यहां भी नहीं लग रहा है राइट तो तुम कहते हो यू से अब नाम पे आते हैं चलिए राम कहता है राम कहता है ता है तो, तो फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा राम से होगा कि सेज होगा राम सेज होगा क्योंकि राम एक वचन है बिल्कुल सही राम एक वचन है इसलिए राम सेज होगा श्याम एक वचन है तो श्याम सेज होगा मोहन एक वचन है तो मोहन गोज होगा एस लगेगा ई एस लगेगा रवि एक वचन है तो रवि स्लीप्स होगा एस लगेगा राइट right? सो so, यदि नाम है और एक वचन है तो ही के बदले नाम है पुरुष का नाम है तो ही के बदले पुरुष का नाम है और ऐसे ही लड़की का नाम यदि है तो वहां भी एक वचन है सीता गोज सीता स्लीप्स सीता जम्प्स सीता ईट्स सीता डांसेस ई एस लग गया क्योंकि डांस में एस जोड़ेंगे तो डांस डबल नहीं बोल पाते इसलिए वहां ई एस लगा सीता डांसेस सीता ब्रेक्स तोड़ती है तो एस लगा एक वचन पे क्लियर तो एक वचन में सब्जेक्ट जो है वो ही हो यदि सिंगुलर हो या शी हो सिंगुलर है राम हो सिंगुलर है श्याम हो सिंगलर है सब में ताते की स्थिति में ई एस लगता है और यदि वो बहुवचन है तो नहीं लगता अब अगला वाक्य देखिए राम और श्याम कह कहता है तो नहीं बोलते ना हिंदी में राम और श्याम कहते हैं यदि हमको अंग्रेजी समझना है तो हमको अपनी हिंदी भी ठीक करनी पड़ेगी हम में से बहुत लोग कई बार बोलचाल की भाषा में गलत हिंदी बोलते हैं बोलने में तो एक बार चल जाएगा पर लिखना है तो सही लिखना है तो हिंदी में क्या है राम और श्याम कहते हैं राम और श्याम राम एंड श्याम कहना मतलब कहते तो ते है तो फर्स्ट फॉर्म राम एंड श्याम से होगा कि सेज होगा से होगा कि सेज होगा ये लोग एक हैं कि दो हैं राम और श्याम दोनों मिलाकर दो हुए ना राम और श्याम दो होगा तो दो लोग कहते हैं इसलिए राम और श्याम कहते हैं वे कहते हैं तो दे से के जैसे ही राम एंड श्याम सेज नहीं होगा आप शाम को पढ़कर एक वचन ना समझें याद रखें शाम के पहले राम भी है या राम को पढ़कर एक वचन ना समझें याद रखें राम के बाद श्याम भी है दो लोग हैं राम श्याम मोहन सोहन से चार लोग हो गए राम श्याम मोहन सोहन से चार लोग हो गए तो ये तो बहुवचन हुआ ना एक से ज्यादा यानी बहुवचन सो यहां पर हम समझ गए हैं कि राम और श्याम नाउंस हैं लेकिन बहुवचन हैं दो लोग हैं इसलिए इस, प्रेजेंट फॉर्म में वर्ब के प्रेजेंट फॉर्म में एस लगेगा नहीं लगेगा अब राम और सीता कहते हैं तब क्या होगा एक इसमें मैस्कुलिन है एक इसमें फेमिनिन है राम मेल है श्याम फीमेल है राम और श्याम कहते हैं तो वहां पर क्या होगा राम एंड श्याम से सिंपल राम एंड श्याम से एक से ज्यादा है बस आपको यह याद रखना राम एंड श्याम से क्योंकि ये बहुवचन हुआ एक से ज्यादा लोग हैं तो कहते हैं ताते में मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट फॉर्म आएगा तो राम और श्याम कहते हैं राम और सीता कहते हैं यहाँ पे मैस्कुलिन फेमिनिन वाली कोई बात नहीं वे कहते हैं जैसा राम और श्याम कहते हैं राम श्याम सीता गीता मोहन श्रद्धा कहते हैं अब इसमें कितनी लड़कियां कितने लड़के इससे हमको कुछ ताल्लुकात नहीं है हम इसको सबको मिलाकर एक साथ बोल देंगे कहते हैं राइट right? So राम और सीता कहते हैं राम एंड सीता से नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वन ये तो हो गया प्रेजेंट में ये मैं केवल उन्हीं वाक्यों को ले रहा हूं केवल उन्हीं उदाहरणों को ले रहा हूं या वर्ब के उन्हीं फॉर्म्स को ले रहा हूँ जो हमको डे टू डे लाइफ में काम आते हैं यदि इतना हमने सीख लिया तो आगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस जो हैं वो सरल हो जाएंगे और अपने आप सीख लेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कम बोलते हैं सामान्यतः हम सिंपल सेंटेंस बोलते हैं एक एक वाक्य वाले तो इसको हम सीख लें इसको यदि हम पकड़ लें तो अपने आप हम आगे अंग्रेजी को अपनी मजबूत कर सकते हैं